हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार बहुत दिन से वीडियो वगैरह मैंने डाली नहीं, तो सोच रहा था मैंने कोई वीडियो वगैरह डाल दूं। ऐसे ही घर पे बैठा था, टाइम पास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कुछ मैं अपने छत पे जो भी टाइम पास चीज़ें हैं मैं वो दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, तो आज मैं अपने छत के बहुत सारे पौधे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये दिखाने जा रहा हूँ, ये नारियल है। मैंने यहाँ पे नारियल उगाया है, अपने से ही उगाया था। बाजार से एक नारियल लाया था और घर पे छील छाल के उसको फिर पानी में डुबाए रखा 2-3 दिनों तक। और फिर उसके बाद देखो, ये आज करीब करीब 30-35 दिन का हो गया है। और मैं कुछ और चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, जैसे जो मैंने ये पुदीने का पौधा है लगा हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी पुदीना, ये गेंदे का फूल है और इसमें लगा है। ये देखिए, ये हमारी दो गुलाब के फूल अच्छे से खिले हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और ये बारहमासी का फूल लगा हुआ है। ये कुछ सब्जियां लगी हुई है, ये हमारी सब्जियां हैं, पालक वगैरह लगे हैं। अच्छा, हमें ऑर्गेनिक पालक खाने के लिए मिल जाता है। चमराई बैगन हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा फल लग रहा है। और एक इधर ये बड़ा सा भी लगा हुआ है और ये छोटे छोटे लग रहे हैं पालक का। ये भी है, ये हमारा टमाटर का पेड़ पौधा अच्छा है। और इधर ये इधर भी पालक लगा रखा है हमने। और ये देखो, हमारे टमाटर फरे भी हैं, कितने ढेर सारे हैं। मामा ये भी तो दिखा सकते हैं ना, ये तो ठीक ही है। ये हमारे और बैगन के पेड़, ये हमने घर पे ही बीज के लिए मैंने वो कर रखा है, पर इसमें शायद ये खराब हो गया है। और ये बैंगन के लिए इसमें फूल वगैरह लग रहे हैं। ये टमाटर है, फल रहा है। अच्छा, नीचे ये फल भी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये और कुछ और हैं बैंगन के पेड़, इसमें भी फल लग रहा है ये यहाँ पे। और ये है लेमन ग्रास का पेड़, इसमें बहुत सारे बीज भी निकल रहे हैं लेमन ग्रास के। और ये हमारे और टमाटर और तुलसी का पौधा, और यहाँ पे हमने लगा रखा है एलोवेरा, ये तुलसी का पौधा। इसे हम दिन में 2 बार पानी वगैरह डालते रहते हैं और यहीं पे कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना ढेर सारा गमले रखे हैं यहाँ पे, कुछ ये इस पे रखे हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।